साल था 1908। इस साल उर्दू भाषा में 5 कहानियों की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। पुस्तक का नाम था सोजे वतन, जिसका हिंदी अनुवाद होता है देश का दर्द, या कहो दर्द की एक चीख। देश के दर्द पर यह पुस्तक लिखी थी एक सरकारी कर्मचारी धनपत राय ने, लेकिन लेखक का नाम दिया नवाब राय। धनपत राय अंग्रेज सरकार में मुंशी के पद पर आसीन थे। ये उस दौर की बात है जब आजादी की बात भी कहना गुनाह था, पर कुछ कुछ लोग थे जो इस रिवाज को नहीं मानते थे। अंग्रेज सरकार के मुंशी जी धनपत राय भी उन्हीं सिरफिरों में से एक थे, लिहाजा सरकारी नौकरी करते हुए धनपत राय ने ये कहानियां लिखी थी। कहानी ऐसी थी कि हड़कंप मच गया। खुफिया विभाग को आदेश हुआ कि पता लगाओ ये नवाब राय कौन है। जांच हुई, खुफिया पुलिस ने सुराग पा लिया कि यह नवाब राय है कौन। हमीरपुर के कलेक्टर साहब ने फौरन मुंशी धनपत राय को तलब किया। मुंशी जी बैलगाड़ी पर सवार होकर रातों रात कुल पहाड़ पहुंचे, जो कि हमीरपुर की उस दौरान एक तहसील थी। मुंशी जी पेश हुए तो सरकारी छानबीन पक्की थी, और अपना जुर्म स्वीकार करने के अलावा मुंशी धनपत राय के पास दूसरा चारा ना था। कलेक्टर साहब मुंशी जी पर गरज उठे कि खैर मनाओ कि अंग्रेजी सरकार में मुलाजिम हो, अगर मुगल सल्तनत में होते तो तुम्हारे हाथ काट लिए जाते, तुम अंग्रेज सरकार के विरुद्ध बगावत फैला रहे हो। मुंशी जी चुपचाप खड़े रहे। कलेक्टर साहब का हुक्म हुआ कि इन कहानियों की जितनी कॉपियां हैं मंगाओ। कॉपियां आई और आग की भेंट कर दी गई। नमस्ते जी, मैं हरप्रीत कौर। हमारे शत शत नमन कार्यक्रम में आज किस्सा है एक लेखक का, जिसकी लेखनी कागज पर चलती तो किसान के हल की तरह पढ़ने वालों का सीना चीर देती। शायद ही कोई ऐसा हो जो मुंशी जी की कृतियों को नहीं जानता होगा, कम से कम किसी एक रचना का नाम तो अवश्य सुना होगा। ऐसा और भी कई महान रचनाओं का जन्म मुंशी प्रेमचंद की लेखनी से हुआ, और वे कृतियां दुनिया में अजर अमर हो गई। लेकिन कैसे एक मामूली सा धनपत राय देखते ही देखते कलम का सम्राट मुंशी प्रेमचंद हो गया, ये जानना बेहद जरूरी है। वो मुंशी प्रेमचंद जो जातिवाद पर ठाकुर का कुआं लिखते तो समाज को सोचने पर मजबूर कर देते, गरीबी पर गोदान लिखते तो अंग्रेज सरकार से लेकर साहूकारों तक को सोचने पर विवश कर देते, वो ईमानदारी पर नमक का दरोगा लिखते तो सरकारी अधिकारी मुंह छिपा कर निकलते, वो सवा शेर गेहूं पर लिखते तो मजदूर की गुलामी चीखे मारने लगती। वो मुंशी प्रेमचंद ही थे जो न केवल कुप्रथाओं पर लिखते थे बल्कि कुप्रथा तोड़ते भी थे। वो मुंशी प्रेमचंद जो रंगभूमि एवं कर्मभूमि उपन्यास के जरिए शिक्षित राष्ट्रवादी नेताओं को उनकी कमजोरियों का एहसास कराते हुए उन्हें सुधारने का प्रयास भी किया करते थे। साल था 1880, तारीख थी 31 जुलाई, शनिवार का दिन था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही गांव के डाकखाने में क्लर्क मुंशी अजायब राय और आनंदी देवी के घर एक बच्चा जन्मा था, नाम रखा गया धनपत राय। बच्चे ने होश संभाला ही था कि 6 वर्ष की अवस्था में ही बीमारी के कारण उनकी माताजी आनंदी देवी का स्वर्गवास हो गया। कम उम्र में ही माता के देहांत के बाद पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माता ने कभी भी प्रेमचंद को माँ की ममता वाला स्नेह नहीं दिया, पिता ने भी उनकी ओर कभी भी वात्सल्यपूर्ण ध्यान नहीं दिया। एक बड़ी बहन थी, जैसे तैसे करके अपना स्नेह देकर भाई को बड़ा किया, लेकिन जल्द ही बहन के विवाह के बाद वे अकेले हो गए। जब वे थोड़े बड़े हुए तो पुरानी प्रथाओं के दबाव में पिता ने केवल 15 वर्ष की उम्र में उनकी इच्छा के विपरीत उनका ब्याह कर दिया। पत्नी झगड़ालू और कुरूप थी, किंतु पिता ने अमीरी देखकर यह विवाह करवाया था। क्योंकि धनपत शांत और सरल स्वभाव के थे, इसलिए किशोर उम्र की चंचलता के बावजूद अपनी पत्नी के साथ जीवन निभाने की भरसक कोशिश करते रहे, किंतु किस्मत ने मानो उन्हें संघर्ष की सर्वोच्च कसौटी पर कसने का मन बनाया था। विवाह के अगले वर्ष उनके पिता का भी देहांत हो गया। इससे किशोर धनपत राय पर पूरे परिवार के लालन पालन की जिम्मेदारी आ गई। कहां तो पठन पाठन लेखन में रुचि रखने वाले धनपत और कहां पूरे परिवार का पेट पालने की विराट जिम्मेदारी। अंततः उन्हें छोटी मोटी नौकरियां करनी पड़ी। कई बार तो ऐसे हालात आ गए कि घर का सामान बेचकर आटा दाल खरीदना पड़ गया।
मगर इतने कड़े संघर्ष के बावजूद उन्होंने पढ़ना और लिखना नहीं छोड़ा। इसी दौरान पत्नी के झगड़ालू रवैये से वे तंग आ गए। एक तरफ परिवार चलाने का संघर्ष, दूसरी तरफ पत्नी का लड़ाकू बर्ताव। अंततः प्रेमचंद जी का पत्नी से अलगाव हो गया। अब वो नितांत अकेले थे। भूख और गरीबी से लड़ने और पुस्तकें पढ़ने का अपना शौक पूरा करने के लिए उन्होंने पुस्तकों के थोक व्यापारी के यहाँ मामूली सी नौकरी कर ली। वहाँ वे काम भी करते और समय मिलने पर पुस्तकें भी पढ़ लेते। और ऐसा होते होते सन 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए थे। और इसके बाद उन्होंने पढ़ाई जारी रखते हुए दर्शन, फारसी, अंग्रेजी और इतिहास लेकर इंटरमीडिएट पास की और 1919 में फारसी, इतिहास और अंग्रेजी विषयों से बीए किया और बाद में शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हो गए। यह वह दौर था जब आर्य समाज का आंदोलन चरम पर था। कुप्रथाओं से लड़ते हुए, पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ बोलते हुए, अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ दहाड़ते हुए ना जाने कितने आर्य समाजी अपने प्राण आहुत कर रहे थे। धनपत राय भी इस दौर में मुंशी प्रेमचंद के नाम से ख्याति पा चुके थे। ना केवल ख्याति बल्कि आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती को पढ़कर छुआछूत, जातिवाद और कुप्रथाओं के खिलाफ लिख रहे थे। कुप्रथाओं के विरुद्ध लिख नहीं रहे थे बल्कि आर्य समाज के विधवा पुनर्विवाह के आंदोलन में कूदकर समाज की कुप्रथा को तोड़ते हुए एक बाल विधवा शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया। इस विवाह से उनके 3 संतानें हुई जिनका नाम है श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। साल 1921 गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए इंस्पेक्टर के पद से त्याग पत्र दे दिया और इसके बाद लेखन को अपना फुल टाइम व्यवसाय बना लिया। उनके लेखन में किसानों की आर्थिक बदहाली, शोषण पर गोदान, बाल विवाह पर निर्मला, छुआछूत, जाति भेदभाव पर ठाकुर का कुआं, विधवा विवाह, आधुनिकता, दहेज प्रथा, स्त्री पुरुष समानता, सब कुछ देखने को मिलता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने उर्दू में आपका चित्र नामक एक कहानी 3 अध्यायों में लिखी थी जो लाहौर के उर्दू पत्र प्रकाश में सन 1929 में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी के पहले भाग में उन्होंने आर्य समाज के लोगों द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती का अपने घरों में चित्र लगाए जाने को मूर्ति पूजा से भिन्न होने या ना होने पर बहुत ही मार्मिक शब्दों में प्रकाश डाला। मूर्ति पूजा व चित्र पूजा का ऐसा सशक्त भावपूर्ण चित्रण इससे पहले कभी कहीं पढ़ने को नहीं मिलता। यह उनके आर्य समाजी होने का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। वह लिखते हैं, लोग मुझसे कहते हैं तुम भी मूर्ति पूजक हो, तुमने भी तो स्वामी दयानंद का चित्र अपने कमरे में लटका रखा है। माना कि तुम उसे जल नहीं चढ़ाते हो, इसको भोग नहीं लगाते, घंटा नहीं बजाते, उसे स्नान नहीं कराते, उसका श्रृंगार नहीं करते, उसको नमन तो करते ही हो, ऋषि दयानंद की विचारधारा के सामने सिर झुकाते हो, यह पूजा नहीं तो और क्या है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा, उत्तर देता हूँ कि श्रीमन, आदर व पूजा में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। मैं अपने कक्ष में स्वामी जी की तस्वीर इसलिए नहीं लटकाए हुए हूँ कि उनके दर्शन से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मैं आवागमन के चक्कर से छूट जाऊंगा। उनके दर्शन मात्र से मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, अथवा मैं उसे प्रसन्न करके अपना कोई केस जीत जाऊंगा या शत्रु पर विजय प्राप्त कर लूंगा। वो आगे लिखते हैं कि मैं उसे केवल इस कारण से स्वामी जी की तस्वीर अपने कमरे में लटकाए हुए हूँ कि स्वामी जी के जीवन का उच्च व पवित्र आचरण सदा मेरे नयनों के सम्मुख रहे। जिस समय प्रलोभनों के कारण पग डगमगाए अथवा प्रतिशोध की भावना मेरे मन में लहरें लेने लगे अथवा जीवन की कठिन राहें मेरे साहस व शौर्य की अग्नि को मंद करने लगे, उस विकट वेला में उस पवित्र मोहिनी मूर्त के दर्शनों से आकुल व्याकुल हृदय को शांति मिले, दृढ़ता धीरज बने रहे, क्षमा व सहनशीलता के मार्ग पर पग चलते रहे तथा मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि इस चित्र से मुझे लाभ पहुंचा है, और एक बार नहीं कई बार। मुंशी प्रेमचंद जी के आर्य समाज से संबंधों पर लिखते हुए आर्य समाज के मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु कहते हैं
कि प्रेमचंद जी को आर्य समाज के दो ऐतिहासिक सम्मेलनों में सम्मान आमंत्रित किया गया था। उनका लाहौर में आर्यों के विराट सम्मेलन में दिया गया भाषण भी हमारे देश के छदम धर्म निरपेक्ष लोगों की पुस्तकों में उपेक्षित रहा और देश के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्वामी श्रद्धानंद जी के गुरुकुल कांगड़ी में दिया गया व्याख्यान भी इनके बहिष्कार का शिकार हो गया। जिज्ञासु जी के अनुसार मार्क्सवादी लेखकों ने प्रेमचंद जी के आर्य समाज से यथार्थ संबंधों की अपने लेखन में उपेक्षा की और किसी ने उन्हें गौकी का चेला सिद्ध किया तो किसी ने कुछ गांधीवादी बना दिया। वे पूछते हैं कि उस युग का कौन सा हिंदी प्रेमी देशभक्त साहित्यकार है जिस पर महर्षि दयानंद जी के जीवन व विचारधारा की छाप नहीं पड़ी। बहरहाल साल 1933 में मुंशी प्रेमचंद जी फिल्म नगरी मुंबई भी गए थे, जहां मोहनलाल भवनानी के सिनेटोल कंपनी में कहानी लेखक के रूप में काम करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन यह काम रास नहीं आया और 2 महीने का वेतन छोड़कर वे बनारस लौट आए। उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता गया और लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को हिंदी साहित्य का यह सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो गया। प्रेमचंद जी ने जो भी लिखा वो हिंदी साहित्य में स्वर्ण अक्षरों में हमेशा के लिए अंकित हो गया है। आज आर्य समाज सदी के अमर लेखक, कालजयी लेखक, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को श्रद्धा पूर्वक करबद्ध नमन करता है।